नमस्ते बालाजी हिंदी डायरा में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं एरीज। 11 से लेकर 21 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज। Eight of Wands, the World, the Tower, back to back दो दो major arcana के card, साथ ही साथ आपके person का बात करने की उत्सुकता। ये जो person है ये आपके साथ communication करना चाहते हैं, बहुत सारा communication, heart to heart communication। हो सकता है recently ऐसा कुछ घटा है, पहले इन्होंने रिश्ते से move on कर लिया था रिसेंट पास्ट में, या फिर करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनके सोच में मेजर चेंजेस आया है। ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है बात करके उसे सॉल्व करना चाहते हैं, रिश्ते को नए सत्र में ले जाना चाहते हैं। हो सकता है ये विदेश जा रहे हैं या फिर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, या फिर आपके जो पर्सन है ये ऑलरेडी विदेश में रहता है तो वो लौटना चाहते हैं, या फिर नो कांटेक्ट का सिचुएशन इसलिए चल रहा था कि आपके साथ वक्त नहीं दे पा रहा था। कुछ भी हो, जो भी है इनमें परिवर्तन आ रहा है और ये सोच रहे हैं कि बात करके चीजों को क्लियर करें, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है कि ये रिश्ते से अभी मूव ऑन करना चाहते हैं। जो लोग पहले ऐसे नहीं सोच रहे थे वो लोग अभी सोच रहे हैं और मूव ऑन करके अपने लाइफ में नए तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम, ज़्यादातर लोग बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, जो मूव ऑन करके पहले ही चले गए थे। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं एरीज। बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ कप्स। कुछ लोग, जैसे कि मैं बोल रही थी ना, कुछ लोग मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, बहुत कम लोग, लेकिन अब बहुत कम लोगों की चीजें ज्यादा होने लग गया है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टेज एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं रिकॉन्सिलेशन का, कुछ लोग अपनी ईगो की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, ईगो इनको परेशान कर रहा है। ये चाहते तो है बात करना, आगे बढ़ना, जो लोग बात करना चाह रहे थे आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन ईगो की वजह से खुद को रोक रहा है। अब ये चाहेंगे कि आप इनसे बात करो, आप इनके साथ कांटेक्ट करो। ये अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं,
सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि रिश्ते में खुद से आगे चल के बात करना भी एक बेवकूफ़ी है, जिसकी वजह से इमोशनल बैगेज के साथ मूव ऑन करना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं आगे जाके बात नहीं करूँगा, ऐसा ये चाहते हैं। ये इन दिनों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं, इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये सब कुछ समझ जाते हैं, सामने वाला क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या इनकी सोच है, ऐसा ये समझ जाते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। जिसकी वजह से ये बैठ कर इंतजार करना चाहते हैं कि आपके तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए। हालांकि बात ये खुद करना चाहते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ना नहीं चाहते। ये देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड, रिश्ते बैलेंस होने जा रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द सन के कार्ड। डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा रिश्ते में, क्लैरिटी आएगी, रिकॉन्सिलेशन होगी, मेजर 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 चेंजेस रिश्ते में होने जा रहा है, क्योंकि क्लैरिटी मिलेगा। जो लोग मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे उनके दिमाग में भी क्लैरिटी आएगी। जो बैठ के ये सोच रहा था भाई तू एक्शन ले, मैं नहीं जा सकता या जा सकती, आपको ये आना पड़ेगा, तो उनके दिमाग में भी दिमाग की बत्ती जलेगी, क्लैरिटी आएगी, रिकॉन्सिलेशन तो होगा, कार्ड बता रहा है, बैलेंस आएगी रिश्ते में, मेजर हैप्पी चेंजेस आएगा। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो समझ लीजिए बच्चों की दुहाई देके बच्चों की वजह से रिश्ते में वापसी हो रही है। अगर नहीं है, बनने वाले हैं तो भी वापसी हो रहा है। लव रिलेशनशिप है तो भी वापसी हो रहा है। दिल से जुड़े रिश्ते हैं तो भी वापसी हो रहा है, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है। और ये बंदा एक्शन भी लेगा क्लैरिटी के साथ। साथ में ये सन का कार्ड ये तय करता है कि मेजर हैप्पीनेस आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में, मेजर 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 हैप्पी चेंजेस, कोई गुड न्यूज आप लोगों की रिश्ते को मिलने जा रहा है। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। यस, इट्स अप टू यू। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो जो जैसे जिस तरीके से हो रहा है उसे होने दो। अगर आप अभी भी गुस्से में रहोगे, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाओगे, चीज़ों को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो चीज़ें सही नहीं होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस चीज़ को पाना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।